हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं दिव्यांग विधवा विरक्त की जो पेंशन आनी थी जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी। फिलहाल जब हम बात कर लेते हैं विधवा विरक्त की पेंशन जो रुकी हुई थी, किसी की 9,000 रुपए किस्त रुकी हुई थी, किसी की 6,000 रुपए किस्त रुकी हुई थी, तो वो पेंशन का पैसा उसके खाते में भेज दिया गया है। यानी 9 फरवरी को जो है बैंक में पैसा भेज दिया गया है। जिस किसी की किस्त रुकी हुई थी वो जल्दी जल्दी अपने बैंक में चेक कर ले, और जिस किसी की पेंशन नहीं आई है तो जल्दी से जल्दी वो अपनी KYC करा ले। कुछ अभी ऐसे हैं जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है, जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिसके कारण उनकी पेंशन नहीं आ रही है। और जो न्यू पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन का पैसा भी भेज दिया गया है। किसी के 3,000 रुपए भेजे गए हैं, किसी के 6,000 रुपए भेजे गए हैं। अब बात ये कर लेते हैं, वे बोलते हैं कि हमने KYC करा ली थी। बैंक की भी KYC करानी जरूरी है और आधार कार्ड की भी KYC करानी जरूरी है, क्योंकि हमने PFMS पोर्टल पर जब चेक किया है तो उसमें बता रहा है कि आधार लिंक नहीं है। जब आधार लिंक नहीं होगा तो पेंशन का पैसा नहीं भेजा जाएगा। और जिनकी न्यू पेंशन थी, जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं, तो 3-4 महीने अगर किसी के फॉर्म जमा हुए हो गए हैं तो उसकी पेंशन का पैसा भी भेज दिया गया है, वो भी एक बार चेक कर ले। और जिसको न्यू पेंशन बनवानी है तो न्यू पेंशन भी बनवा सकता है। हम आपको स्क्रीनशॉट बता देंगे। जिनके पैसे आए हैं PFMS पोर्टल पे जब चेक किया है तो एक के 9,000 रुपए भेज दिए गए हैं और एक के 7,000 रुपए उसके खाते में भेज दिए गए हैं। आप PFMS पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अब जनवरी फरवरी मार्च का पैसा कब आएगा, देखिए बात कर लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन का पैसा है वो भेजा जाना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन का जो पैसा था वो भेजा जा रहा है। और दिव्यांग पेंशन कब आएगी, अब वो मार्च में आएगी, कितने रुपए आएगी, वो पेंशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि जो प्रस्ताव तैयार हुआ था, जो नरेंद्र कश्यप इसके मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि दिव्यांग की पेंशन जो है बढ़ोतरी होगी, उन्हीं के 500 रुपए में बढ़ोतरी होकर 1500 रुपए महीना पेंशन की जाएगी, जिसमें विधवा और विरक्त का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब बाकी जो है पेंशन आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी पेंशन कितने रुपए महीने आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।